लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने उत्तर प्रदेश में धमाल ही मचा दिया। ये रिजल्ट एग्जिट पोल के आंकड़ों से काफी ज्यादा शॉकिंग है। बड़ी बड़ी हॉट सीटों में इंडिया गठबंधन ने बड़ा उलटफेर कर दिया। रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, मैनपुरी ही नहीं नगीना के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे। हालांकि जिसके जीतने की उम्मीद थी हुआ वही, जीते चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के मुखिया को नगीना की जनता ने वहां की सियासी अंगूठी पहना ही। उन्होंने पहली बार नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ा और पहली ही बार में उनका जादू चल गया। संसद तक पहुंचने में चंद्रशेखर आजाद कामयाब हो गए। उन्होंने करीब 1,00,000 वोटों के साथ नगीना में कब्जा जमा लिया। ये जीत भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की कड़ी मेहनत का नतीजा है, क्योंकि वो शुरुआत से आखिरी वक्त तक नगीना में अपनी केतली लेकर खूंटा गाड़ के बैठ गए थे। वहाँ की जनता से लगातार मिल रहे थे, उनकी समस्याएं सुन रहे थे और वोट भी मांग रहे थे। बता दें कि नगीना में पहले चरण में 19 अप्रैल को 59.54% मतदान हुआ था, जिसके परिणाम आज 4 जून को घोषित हुए हैं। इस बार आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने ओम कुमार को खड़ा किया था, तो सपा ने मनोज कुमार को मैदान में उतारा था। वहीं बसपा ने सुरेंद्र पाल को टिकट दिया था, लेकिन नतीजों में चुनौती देने वालों को मुंह की खानी पड़ी। आसपा अव्वल आई, दूसरे नंबर पर बीजेपी, तीसरे पर सपा और बसपा चौथे नंबर पर खिसक गए। ये वही नगीना सीट है जिसके लिए अखिलेश यादव की चंद्रशेखर आजाद से बातचीत चल रही थी, लेकिन बात नहीं बनने के कारण उन्होंने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और जीत भी गए। ऐसे में आसपा की जीत कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की जीत मानी जा रही है, क्योंकि एक सर्वे में सपा ने नगीना सीट से पहले ही हार मान ली थी।